बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैंने बनाया है एग चिकन फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। सिंपल और आसान मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, उसमें पानी 2 लीटर पानी ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सिरका, क्योंकि इससे जो है चावल अच्छा सा खिला खिला बनेगा और टूटेगा भी नहीं। इसके अलावा जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और कवर लगा दिया था ताकि इसे अच्छे से बॉयल आ जाए और जल्दी से बॉयल आ जाए, ये देखें। और ये पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है और मैंने ये देखे तकरीबन 1 कप चावल भिगो के रखे हुए थे। ये कच्ची बनस्पती चावल है, इसको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखें, मैं इसको साथ साथ ही चेक करती रहूँगी कि जब ये अच्छे से 100% गल जाएगा तब मैं इसको जो है पानी से रिमूव कर लूँगी। ये देखें जी, चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया है और इसको बॉयल होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। चावलों को बॉयल होते हुए तकरीबन 3 मिनट लगते हैं और अच्छे से चावल बॉयल हो जाते हैं। ये देखें, चावल अच्छे से गल चुके हैं और जो हमें चाहिए जिस तरह से वैसे ये रेडी है। अब मैं इसको छान के जो है एक प्लेट में निकाल लूँगी। तमाम चावलों को मैंने इस तरह से पानी इसका ड्रेन आउट करके मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था और थोड़ी देर ठंडा होने दिया था। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी थोड़ी देर रख सकते हैं, इसे जो है चावल में जान पैदा हो जाती है। बॉयल चावल ली हैं, गाजरें ली हैं, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा लहसुन है, बंद गोभी है और चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं और ये हैं सॉसेस, सिरका और सोया सॉस। तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लिए है और इसमें मैंने ऐड कर दी है लहसुन। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई कर लिया था और अच्छी सी खुशबू आने तक इसको भून लिया था। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी थी चिकन, चिकन के छोटे छोटे बारीक से पीसेस कर लिए थे ताकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम ना ले और अच्छा सा फ्लेवर आए। और अक्सर जो है वैसे भी फ्राइड राइस में इसी साइज़ की चिकन की बोटियां करके डाली जाती हैं। गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं बोटियां जो हैं, चिकन के पीसेस जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसमें मैं एक अंडा ऐड कर दूँगी क्रैक करके। ये देखें, अंडे आप 1 या 2 जितने भी ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें जी, अंडे को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज़ियाँ जिसमें मैंने ली हैं गाजरें, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए है, और ये हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी मैंने छोटे से पीसेस में कट किया, और ये बंद गोभी है, बंद गोभी आप ज़्यादा ऐड करें, मेरे पास थोड़ी सी थी तो मैंने थोड़ी सी ही ऐड कर दी है। ये देखें, अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जिनमें है काली मिर्चें और थोड़ा सा जो है नमक। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, कम या ज़्यादा। फ्राइड राइस में वैसे तो स्पाइसेस कम होते हैं, अगर हम मसाला राइस बनाते तब तो इसमें हम काफ़ी सारे मसाले ऐड करते हैं, वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, चावल ऐड कर दिए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये देखें जी, हाफ़ राइस ऐड किए हैं तकरीबन, ये 1 प्लेट ही जाके बनेगी, 2 लोगों के लिए ये परफेक्ट है। और काफ़ी सारे ये राइस हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, थोड़े से बचा लिए हैं। ये देखें, अच्छे से इनको हाई फ्लेम पे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। फ्राइड राइस है ना, इसलिए तो इसको फ्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप कम या ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करें तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया था, स्किप हो गया, आपके लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। थोड़ा सा सिरका ऐड किया था और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, ये देखें, डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्लीज़ फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी, मज़ेदार से टेस्टी से फ्राइड राइस हमारे रेडी हैं, चिकन फ्राइड राइस। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।